सिटी जर्नलिस्ट की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा जॉनसन एंड जॉनसन PNG LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर गेटेड कम्युनिटी स्पॉट रजिस्ट्रेशन केयर टाइटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। हिजबुल्ला के रहनुमा हसन नसरुल्ला लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक फिजाई हमले में मारे गए हैं। इसराइल की फौज और लिबनानी ग्रुप के मुताबिक ये हिजबुल्ला के लिए एक अहम धक्का है क्योंकि ये इसराइली हमलों की बढ़ती हुई मुहिम से निकल रही है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने जराए के हवाले से बताया है कि जुमे को जुनूबी बैरूत में हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्ला की इजरायली फिजाई हमले में हलाकत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनी को मुल्क के अंदर एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इजरायली फौज ने इतला दी है कि फिजाई हमला ऐन मुताबिक था और उसने दाहिया में उनके हेडक्वार्टर में हिजबुल्ला की क़यादत के इजलास को निशाना बनाया। नसरुल्ला ने 30 साल से ज़ायद अरसे तक हिजबुल्ला की क़यादत की। हिजबुल्ला के अरकान को निशाना बनाने वाले कई पेजर धमाकों के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान तशद्दुद की इस हालिया शिद्दत में 700 लिबनानी शहरी हलाक हुए, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। 64 साल नसरुल्ला ने 32 साल से ज़ायद अरसे तक ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप की क़यादत की। एक सियासी और रूहानी रहनुमा के तौर पर अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जिन्होंने हिजबुल्ला को लिबनान में नुमाया मुकाम तक पहुंचाया। उनके हामियों में शिया रहनुमा को खड़े होने पर सराहा गया। नसरुल्ला को कई घरेलू दुश्मन भी थे जिनमें सुन्नी और दरूज सियासी क़ुव्वतें भी शामिल थीं जिनसे हिजबुल्ला का तसादुम हुआ है। अपनी मौत से पहले के सालों में सिक्योरिटी खदशात की वजह से इन्हें आवाम के बीच कम ही देखा गया था।